जुल्फिकार राज साहब, बानी पीटीआई के लिए जो धरना हो रहा है उनकी, मुझे तो ये नजर आ रहा है कि जैसे ये मुजाकरात जो हो रहे हैं, जो डील हो रही है, जो कमेटियां बन रही हैं, जो आए रोज उनसे धड़ाधड़ मुलाकातें हो रही हैं, ये उसी की एक कड़ी थी ना कि आज तोशाखाना टू एक अहम केस, जो कि बड़ा एक अहम केस कहा जा रहा था कि इसमें उनको माफी नहीं मिलेगी, इसमें उनको माफी मिल गई ना, जमानत मिल गई है, तो ये कोई उसी की कड़ी है। फिजा, आज की जमानत को बहुत बड़ी खबर बना के कुछ लोग पेश कर रहे थे, और बदकिस्मती हमारे यहाँ ये है कि हम अपनी ख्वाहिश को खबर बना के और अपनी ख्वाहिश को तजिया बना के पेश करने की कोशिश करते हैं। मेरे लिए बहरहाल ये खबर इसलिए नहीं थी कि मुझे एक्जैक्टली अंदाजा है कि इस मुल्क के अंदर एक तारीख के तालब इलम के तौर पर क्या कुछ होता रहा है। एक वक्त था कि यहाँ पे नवाज शरीफ के ऊपर कोई 150-200 मुकदमात थे, फिर अचानक एक दिन पता चला कि कोई मुकदमा भी नहीं है, फिर पता चला शकील और रहमान साहब के खिलाफ भी कोई 150-200-250 मुकदमात है पाकिस्तान के हर थाने के अंदर। और जब फिर उनका मामला हल हुआ, माफी मिली, तो उसके बाद कोई मुकदमा नजर नहीं आया। जो सियासी नौयत के और इस तरह के मुकदमात बनते हैं वो फिर उसी तरह से खत्म होते हैं। वो इस तरह खत्म नहीं होते कि आज फैसल चौधरी ने ये कह दिया, सलमान अकरम राजा ने ये कह दिया, फलाने ने ये कह दिया। ये तो पीटीआई के जो वकला हजरात है ना, ये वकील कम और यूट्यूबर बन गए ज्यादा। और किसी सियाने ने कहा था कि अगर बीमारी लग जाए तो पैड़े डॉक्टर को ना जाओ, और अगर मुकदमा कोई आपके गले पड़ जाए तो पैड़े वकील को ना जाओ। तो मेरा ख्याल है कि ये वो चीजें हैं जो समझने की जरूरत है कि आम वकला का एक ट्रेंड होता है कि उसके पास चार कत्ल करने वाला बंदा भी चला जाए, उन्हें कोई गाल नहीं, चोसा में बैठ के चाय पियो और फीस कट दो तो उन्हें जमानत करा लेने, कोई मसला ही नहीं। तो वकला ने ये अपना एक चूरन बेचना होता है कि हम सुबह ये कर देंगे। सलमान अकरम राजा साहब भी और सलमान सफदर साहब कई दिनों से कह रहे हैं कि इमरान खान साहब कल रिहा हो जाएंगे, परसों वो क्यादत करेंगे, उसके बाद वो बाहर जाके नाश्ता करेंगे, फिर वो बनीगाला चले जाएंगे, फिर वो जुबान पार्क चले जाएंगे। ये रोजाना की बुनियाद पे एक नया नैरेटिव वो पेश करते हैं। और मैं डे वन से ये कह रहा हूं कि पीटीआई का मसला मकबूलियत या जलसे जुलूस या इस तरह लोगों को मरवाना नहीं है, उसका मसला पीटीआई का सिर्फ कबूलियत है। और जो कबूलियत के ऊपर काम करते हैं उनको वो गद्दार डिक्लेयर कर देते हैं। वो अली मीन गंडापुर हो, वो गोहर अली हो या कोई और हो, वो कहीं पे जाके मुलाकातें अगर कौम के वसीतर मुफाद में करते हैं तो उसके बाद कहते हैं ये पार्टी के गद्दार हैं, फिर उनके खिलाफ बैशिंग शुरू हो जाती है। पार्टी के अंदर आप अंदाजा करें कि कितनी ट्रोलिंग हो रही है, हाँ। कितने उनके ऊपर बातें हो रही ये है। बात तो और आप कहते रहे दोबारा हैं कि मोहसिन नकवी और नहीं, अली वो कुछ अमीन चीजें मुझे तो खैर साडा 12 भाई अजला नहीं हजम हुए, मैं तो इसलिए सवाल हमेशा ही उठाता हूँ, साडा भाई नहीं है मैं हमेशा ही वो उठाता हूँ। लेकिन पार्टी के अंदर से बड़ा उन पे प्रेशर था, और वो तो बेचारे ने बड़े बड़े सुल्तानराय की तरह बड़े बड़े नारे मार के बेचारे ने अपनी कोई पोजीशन बेहतर की है, अपनी रेपुटेशन ठीक की है। तो मैं जाती तौर पे समझता हूं कि ये एहतजाज अभी होना है, और मुजाकराती कमेटी पहले बन गई है, कल भी मैंने अर्ज किया था, और ये दुनिया का अनोखा और पहला ये एहतजाज है कि जिसकी कमेटी पहले से मुजाकरत कर रही है और रोजाना की बुनियाद पर कहते हैं ये हमारी बात मान लो, वरना फिर 24 नवंबर को पता चल जाए, फिर अस्सी 24 नवंबर को बस कुछ नहीं करेंगे या कुछ नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, आगे से आज सोशल मीडिया के ऊपर जगह जगह ये पुलिस के आप क्लिप्स देख सकते हैं, वो भी आगे से नारे लगा रहे हैं और वो पता नहीं बड़े जज्बाती नारे हैं। अच्छा, इसी तरह रेंजर वहां पे पहुंच गई है, 40,000 गोलियां और 50,000 रबड़ की गोलियां और 2,000 पैलेट गन्स और ये और वो, और आईजी साहब का गुस्सा और सारे मैसेजेस अजमा की गुफ्तगु अलग से, यानी दोनों तरफ से तैयारी पूरी है और है। कहा जा रहा है कि छाड़ दियो वरना फिर 24 नवंबर। नहीं नहीं, मुझे ये समझ नहीं तो आ रही कि अगर वो हुकूमती मशीनरी केपीके से इस्तेमाल करते हुए ला रहे हैं और करोड़ों के पैसे लग रहे हैं तो भी आवाम का पैसा, और यहाँ हुकूमत अगर इसी पे आना चाह रही है, एग्जैक्टली गोलियां चला रही है। मैं पहले राणा साहब को पॉइंट दे दूं, फिर आवाम का बेड़ा गर्क बोले, दोनों जानिब से पैसा लग रहा है, तबाही बर्बादी आवाम की हो रही है। हाँ बिल्कुल ठीक है, दोनों जानिब से पैसा तो आवाम का लग रहा है। राज साहब, जैसे गुफ्तगु किया राणा साहब ने, ये पिक्चर ये कर रहे हैं अगर मुजाकरात हो भी जाए तो कोई दो राय नहीं है, तो मुजाकरात होने के बाद बाहर आने के बाद ये तो अभी जलसे कर रहे हैं, बाद में और जलसे करेंगे तो फिर क्या, फिर तो स्टेबिलिटी ना आई ना। देखिए जी, आज के दिन में जब हुकूमत ये क्लेम कर रही है
कि स्टॉक एक्सचेंज तमाम हदें अबूर कर गई है, और दूसरी खबर यह है कि 85,836 अरब रुपए कर्ज हो गया पाकिस्तान के ऊपर, और जो एक साल में 7,417 अरब रुपए उस पर इजाफा हुआ। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान शदीद तरीन क्राइसिस का शिकार है, और आपकी मईशत आईसीयू के अंदर पड़ी हुई है, और अभी आज हम जो बेसिक्स डिस्कस कर रहे हैं कि जज ने क्या करना है, फलाने ने क्या करना है, पार्लियामेंट को क्या करना चाहिए, ऐसे लगता है कि दो दिन पहले हम आजाद हुए हैं, तो अपनी बुनियादी चीजें जो है ना वो तय कर रहे हैं। 70 साल की कहानी है, और आजादी आज भी हम मांग रहे हैं, और आज भी आजादी की जंग लड़ी जा रही है, आज भी एब्सोल्युटली नॉट कहा जा रहा है। सवाल यह है कि ये कौन कहता है मुजाकरात ना किए जाए। हम तो कहते हैं कि इतना बड़ा मामला करने के बाद, इतने लोगों को मरवाने के बाद, इतनी लाशें गिराने के बाद, इतने लोगों को थकाने के बाद, अरबों करोड़ों रुपए का खर्चा पीटी साइड के ऊपर भी हो गया, गवर्नमेंट साइड पे भी हो गया, कौम भी बेचारी फंस जाती है, जलसे जुलूसों में भी तबाही बर्बादी होती है, और आज तीन दिन पहले ही इस्लामाबाद डी चौक के अंदर पुलिस जाके बैठ भी गई है, तो ये भी एक मोबिलाइजेशन का एक खर्चा है। 400 कंटेनर आ रहा है, करोड़ों अरबों रुपए लगेंगे, और कंटेनर जिनके पकड़े जाते हैं वो बेचारे रोते रहते हैं, चीजें उसमें गल सड़ जाती हैं। सवाल ये है कि ये सारा अमल जो हो रहा है, और उसके बाद कहा जाता है जी मुजाकरात मुजाकरात, भाई सियासतदान मुजाकरात नहीं करेगा तो क्या करेगा। मैं कहता हूँ ये सारा कुछ करने के बगैर ही आप अगर अच्छे बच्चे बन के आप मुजाकरात कर लें और बैठ के मुजाकरात होते क्या, कुछ लो और कुछ दो। अगर मुजाकरात आप गन पॉइंट के ऊपर करने की कोशिश करेंगे, अदारों को आंखें दिखाएंगे और उनको कहेंगे कि साड़ी मर्जी के मुताबिक मुजाकरात चाहिए, तो फिर तो नहीं हो सकता ना। सारे सियासतदान यहाँ पे आपने देखा, नवाज शरीफ साहब को आपने जेल के अंदर जाते भी देखा, निकलते भी देखा, गिरफ्तार होते भी देखा, बाहर जाते भी देखा, वापस आते भी देखा, बिल्कुल। यहाँ पे बेनजीर को आपने हर रूप के अंदर देखा, आपने जरदारी साहब को भी देखा, मुख्तलिफ सियासतदान होते क्या, सियासतदान वो होते हैं जो दरवाजे बंद नहीं करते, सियासतदान वो होता है कि जो उस पर गुंजाइश रखता है, गुफ्तगू की गुंजाइश रखता है, वो उस पर डेड लॉक पैदा नहीं करता, वो कभी स्पेस देता है, कभी स्पेस ले लेता है, बिल्कुल ठीक, कभी पीछे हटता है, कभी वो फ्रंट के ऊपर आके खेलता है, तो इस पे एक ही स्टाइल के अंदर जिद करके अगर बैठ जाया जाए तो फिर वो सियासत नहीं हो सकती। वो तबाही और बर्बादी तो हो सकती है जैसे हो रही है, बिल्कुल, लेकिन वो सियासत नहीं हो सकती। तो मेरा ख्याल है कि पीटीआई के दोस्तों को इसको समझना चाहिए, और बहुत सारे पीटीआई के लोग ऐसे हैं जो इस बात को समझते हैं लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं, लेकिन वो बेचारे बेबस है। हाँ, मसूद शाह मुकरशी साहब चाहते हैं कि कोई दरमियानी रास्ता निकाले, नहीं निकाल सकते। गौर अली खां बेचारा कई दफा अपनी बाकायदा तौर पर बेइज्जती करवा चुके हैं, और अली में गंडापुर साहब भी कड़वी कसैली सुन चुके हैं। जो शख्स भी दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा है अपनी इज्जत की कॉस्ट के ऊपर, उसके साथ जो कुछ होता है वो बताया ही नहीं जा सकता। लेकिन आपकी बात देखिए, इसका हल क्या है, हल आपने हल तो फिर बाद में निकलना है, फिर डायलॉग में निकलना है, फिर आपने बैठना टेबल के ऊपर। आपने अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, जैसे उन्होंने कहा है पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, उसकी वजीर इतलात अगर ये कह रही हैं कि वहां से हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल करते आएंगे तो हम भी देख लेंगे, और ये तो कहां टकराव होगा ना, टकराव होगा ना। आप देखिए केपी के जो अवाम आएंगे, अगर इस्लामाबाद से उनको डंडे पड़ते हैं तो फिर भी नफरत, नफरत का कारोबार है ना, बिल्कुल। आप कर क्या रहे हैं, और एंड के ऊपर फिर आपने ये सारा कुछ कर करा के फिर कुछ लो और कुछ दो की बात करनी है, तो आज ही कर ले। इतनी तबाही और बर्बादी करके ये सारा कुछ क्यों कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। मेरा तो पहले दिन से ये स्टांस है कि आप लोगों को खपा भी रहे हैं, सता भी रहे हैं, उनको थका भी रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपने फिर बैठना है, उसी गेट नंबर 4 को सलूट करना है और उसी रास्ते से इक्तदार में आना है। इक्तदार में कहां आना है, अभी तो वो जेल से बाहर आने के लिए जब भी आना है, बाकी लोग जिस तरह आए हैं उससे फार्मूले देते ही, उससे सबक, उससे सिलेबस देते ही उन्होंने आना है। वही करनी, उससे सिलेबस देता है, रास्ता सिलेबस जो है ना, कोई नहीं रास्ता आने जाने का एक